तो हेलो गाइस, दिस इज विकास और स्वागत है आपका हमारे चैनल पे दोबारा। तो गाइस, आज का जो वीडियो है वो है शिबनोबी को लेके। अपडेट कुछ आई है मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। हालांकि मेन जो बात है वो यहाँ पे प्राइस अपडेट को लेके हम लोग बात करने वाले हैं। यहाँ पे प्राइस अपडेट की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो शिंजा का भी जो प्राइस अपडेट है यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे 18 घंटे पहले यहाँ पे न्यूज आई थी, कॉइन व्यू कैप मतलब सीवीसी का इनका ऐसा मर्जर हुआ है यहाँ पे, ठीक है। सीवीसी पे कॉइन मार्केट कैपिटल की तरह ये लोग भी है ना, पूरी इनकी वेबसाइट है सीवीसी की, यहाँ पे आपको सारे कॉइन्स की जानकारियां मिल जाएंगी, ठीक है। फर्दर मोर सीवीसी टैक्स हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 75% टू 46%, ठीक है। तो अगर आप लेना चाहो तो यहाँ पे टैक्स इन्होंने थोड़ा रिड्यूस कर दिया है, ठीक है गाइस। और शिबनी भी यील्ड प्रोटोगेम यहाँ पे प्रोटोकॉल गेम यहाँ पे रिलीज हो चुका है। अनाउंसमेंट ट्विटर द टाइमर डॉट आईओ वेयर पार्टिसिपेंट कंट्रीब्यूट बीएनबी एंड गेन अ चांस टू विन 40% ऑफ द एंटायर पूल। यहाँ पे आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आपको 40% एंटायर पूल का मिलेगा, ठीक है गाइस। और यहाँ पे इसके अलावा कोई खास अपडेट अभी तक आई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लॉकचेन को लेके यूज आई है, टीम इज कंप्लाइंग ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ द ब्लॉकचेन इनटू आर डॉक्यूमेंट व्हिच इज विल बी। यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स का सबको कर रहे हैं। तो मतलब शिबनोबी आपको बहुत जल्दी रिलीज होती हुई दिखेगी। और इनका ये भी कहना कि वॉलेट और ये शिबनोबी चेन दोनों को एक साथ ही लॉन्च करना चाहते हैं, ताकि वॉलेट में शिबनोबी चेन भी इंक्लूड हो, कि वहां से भी लोग ट्रांसफर कर सके वॉलेट के थ्रू, चेन के थ्रू, इनकी खुद की चेन के थ्रू, ठीक है गाइस। यहाँ पे ये भी कुछ अपडेट थी जो मैंने आपको बताई, और तो कोई खास यहाँ पे कोई अपडेट नहीं आई है गाइज। और एक बार प्राइस पे जरूर नजर डाल लेते हैं। ये टाइमर डॉट आईओ है, यहाँ पे आप चाहो तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। यूल टोकन के साथ इन्होंने पार्टनरशिप करी है, गेमिंग वेमिंग में आने वाले हैं इनके कुछ। अब देखते हैं गाइज, चीजें तो बहुत सारी लेके आ रहे हैं, बहुत सारे अड़ंगे लेके आ रहे हैं गाइज। बट यार गाइज, यहाँ पे प्राइस में पंप देखने को नहीं मिला है। मुझे लगता है इनको अपनी सप्लाई पे भी ध्यान देना चाहिए, जिनको सप्लाई को भी बर्न कर देना चाहिए, और भी सप्लाई है उसको भी बर्न करना चाहिए, ताकि अच्छा खासा पंप देखने को मिले, क्योंकि सप्लाई बहुत ज्यादा है अभी। बर्निंग को लेके ये लोग कोई भी अभी अपडेट नहीं दे रहे, ये लोग भी अभी सिर्फ यूटिलिटीज के ऊपर ही ध्यान दे रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे यूटिलिटीज तो सारी चीजें हो ही रही हैं, और यहाँ पे जनवरी तक इनकी सारी चीजें आ जाएंगी लगभग। उसके बाद 2023 के अंदर यहाँ पे मेटावर्स भी इनका आने वाला है शिबनोबी का, ठीक है। तो शिबनोबी वॉलेट, शिबनोबी चेन, फिर शिबनोबी मेटावर्स का नंबर आएगा। शिबनोबी वॉलेट और ब्लॉकचेन तो आपको इसी साल देखने को मिल जाएगी 2022 के अंदर ही, ठीक है। और 23 में आपको मेटावर्स देखने को मिलेगा। ये सब तो ठीक है गाइस, बट यहाँ पे इनको बर्निंग भी करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जब तक प्रॉपर बर्निंग देखने को नहीं मिलेगी ना, तो मजा नहीं आने वाला है, ठीक है। तो आई होप सो ये लोग बर्न कुछ कॉइन्स को और बर्न करेंगे आने वाले टाइम पे, क्योंकि बर्निंग होगी तो ही मजा आने वाला है, वरना प्राइस में कोई पंप देखने को नहीं मिलेगा यार, फिर मजा नहीं आने वाला है। हालांकि लोग जब तक, और के एक बार इनके होल्डर्स पे नजर डाल लेते हैं कि होल्डर्स कितने हो चुके हैं, कि मैंने काफी दिन से देखा नहीं यार। तो यहाँ पे अपन डालते हैं शिबनोबी, ठीक है। शिंजा लिख देता हूँ यार, एक ही बात है, ये डाल दिया शिबनोबी। और 95,680 लोगों ने यहाँ पे वॉच लिस्ट में डाल रखा है। और इनके अगर होल्डर्स की बात करें तो हमें 67,843 होल्डर्स। इनके होल्डर्स थोड़े से स्लो हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे प्राइस में कोई पंप एकदम से, जैसे कभी भी आपने देखा हो क्रिप्टो में, किसी क्रिप्टो में सडनली प्राइस में इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, तो लोग उसको बाय करने लग जाते हैं कि यार आप बाय करो बाय करो, लगातार बाइंग होती है। तो बाइंग प्रेशर जब तक नहीं बनेगा ना, तब तक पंप देखने को नहीं मिलता यार। यहाँ पे वॉल्यूम में देखो ना, 59% डाउन है, तो पंप कहाँ से मिलेगा। वॉल्यूम देखो कितना कम जा रहा है यहाँ पे, तो वॉल्यूम को भी इसको में यहाँ पे पंप देखने को मिलेगा तो ही मजे वाली बात है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे मर्ज तो इन्हें कॉइन व्यू सीवीसी के साथ मर्ज कर रहे हैं, यील्ड टोकन के साथ मर्ज कर रहे हैं। और इनके देखते हैं यहाँ पे अभी कौन कौन से एक्सचेंज है इनके जहाँ पे अवेलेबल है, अभी काफी टाइम से देखा नहीं मैंने यार। अरे कहाँ गया डेटा, एक बार दोबारा रिफ्रेश कर देता हूँ मैं, खुल जाएगा ये। कई बार क्या नेट इतना स्लो चलता है ना, अरे 100 Mbps का प्लान भी काम नहीं आ रहा। यहाँ पे देखो यूनिस्वैप पे है, एल बैंक, एसटी, बिटमार्ट, बीकेएस, बस ये वाले एक्सचेंजेस हैं यहाँ पे। तो मेन एक्सचेंज है बिटमार्ट, अच्छा है, हॉटबिट पे भी आप ले सकते हो, एल बैंक भी ठीक है, यहाँ पे भी आप ले सकते हो। तो ये कुछ एक्सचेंजेस है जहाँ पे आप इसे खरीद सकते हो। पैनकेक स्वैप और यूनिस्वैप वर्जन 2 पे भी अवेलेबल है, ठीक है। तो अभी कोई खास गेट डॉट आईओ पे अभी तक नहीं आया है, बहुत से एक्सचेंजेस पे अभी तक नहीं आया। इन्होंने एक्सचेंजेस की बात की थी जो कि पता नहीं कहाँ चली गई है, वो अब तक इन्होंने एक्सचेंजेस के बारे में कोई बात नहीं करी। हालांकि टोकन ठीक है गाइस, अपने पोर्टफोलियो में इसको रखे रखो, जब पंप हो तो अपना प्रॉफिट बुक कर लेना भाई, प्रॉफिट बुक करना मत भूलना, ठीक है। और मैं हमेशा ये कहता हूँ, मैं भी आप लोगों की तरह ही एक इन्वेस्टर हूँ, छोटा मोटा पैसा मैं भी लगा देता हूँ, ठीक है गाइस। और आपके पास कॉइन्स पर शेयर कर लेता हूँ, ठीक है। मैं कोई क्रिप्टो का बहुत बड़ा धुरंधर नहीं कहूंगा,
और ना ही मैं किसी को फाइनेंशियल एडवाइस दूंगा कि मेरी वजह से किसी का नुकसान हो। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच गाइस, दिस इज विकास, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया।